ले मैं कोई बंदा आए तीकर नहीं जे वेख्या जेड़ा कहिंदा होवे वी मैं ऑपरेशन करा के बच जाऊं ते डॉक्टर कहणगे वी बचा ना। और संतां ने इतिहास जेड़ा नारा दिता सी मैं कह मैं तां नारा दिता मेरा सिर जावे ता जावे मेरा सिखी सदकना जावे। मगरों वारी आई संत जरनैल सिंह जी की साडा भरा भी सी साडा यार भी सी संत जरनैल सिंह अज कई जारे चौधरी बने फिरदे आ। वट्सअप के उत्ते एक वट्सअप के शेयर आ गया मैं उन्होंने जरूर कहना चाहना एक वट्सअप के शेयर ने करो गल्लां वट्सअप ते चंगियां भी करते आ और कई आ गरीबां दी मदद बड़ी करते आ वह मैनूं बड़े चंगे लगते आ। कई स्टेजां ते खलो खलो के जिन्हां ने कितें मेरे ख्याल कुत्ते नूं सोटा नहीं का मारिया वो एवें अपने जिहड़े आ तड़ाई बाहां कर करके चौड़ियां ते बाहरले सिंघां नूं गुमराह करी जांदे आ। इस तरह नहीं जी गल बननी गल तो अकाल तख्त साहब ते लड़िया बननी जे है नहीं जी बननी किड्डी वड्डी कौम और किड्डे वड्डे लोग अज भाई अमृतपाल सिंह नूं फड़ लिया और किन्ने लोग सी ओह अपने आप फेसबुक जी दे उत्ते कोई खलोता नहीं मगरों अफसोस होया मैनूं उन्हां लोकां ते तुसीं कम सो कम गिरफ्तारी होई है तुसीं मगर तां जाओ भज्जो तां सही। और मैनू याद है जो मैनू फड़ के खड़ते सी आल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन के बतौर प्रेजीडेंट बतौर मुख सेवादार पंजाब बंद हुंदा सी इत्थे मैनू याद है जो मैनू 99 तो बाद क्योंकि मैनू सेवा भी जिहड़ी उह जेल च मिली सी मैं लैंदा नहीं सी क्योंकि उदों फैडरेशन वालियां नू वेखदियां ही गोली मारन दा हुक्म सी जदों मैनू सेवा मिली सी 84 तो बाद 90 जेल च मिली सी। और मैं बेनती करनी चाहना कि कुछ करके दिखाओ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करके दिखाओ कोई सिखी की गल करके दिखाओ। सो मैं बेनती करनी चाहना मगरों संत जरनैल सिंह का टाइम आ गया 78 का मौका आया अकाल तख्त साहब तो संत जरनैल सिंह जा सकते सी मैं इत्थे कहना चाहना भाई अमरीक सिंह भी जा सकते सी लेकिन उन्होंने आख्या ही अरदास कर ली है तो जदों अरदास सिंह कर ले उदों पे की हुंदा उदों बाबा दीप सिंह ने एक अरदास कीती सी दमदमा साहब तो आउंदे आउंदे पे जा मैं उत्थे सचखंड हरिमंदर साहब नूं मुगलां तो मुक्त करा दूंगा जा मैं अपना शीस ला दूंगा लकीर खिची और जिहड़े कच्चे सी कच्चा तो मेरे ख्याल कोई भी नहीं होदा वह सारे लकीर तो गांह होए उन्होंने सचखंड श्री हरिमंदर साहब की अजमत वास्ते सूरा सो पहचानिया जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाडे खेत उस टकसाल के मुखी संत करतार सिंह सी जिन्हें एमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने उड़वाया और उस टकसाल के मुखी संत जरनैल सिंह सी जिन्हें हिंदुस्तान दियां तोपां का मूँह मोड़ के दिल्ली वल नूं कीता सी। और इस फैडरेशन का प्रधान सो फैडरेशन भावें जिन्नी मर्जी बना लो बनाई फिर वो फैडरेशन शक्ति बिखड़ गई आ पंजा है ना सामने मैं किया जे कट्ठे कर लोगे कसुन बन जूगा ताकत बन जूगी शक्ति बन जूगी सरकार डरूगी। मेरे वर्गा बंदा केड़ा पहला मैं बहुता कोई ज़्यादा फैडरेशन च एक्टिव नहीं सी हैगा है सी लेकिन जो मैं प्रेजिडेंट बनाया गया और तशद्दुद होया तशद्दुद कित्थे होया पहला तो मिलिट्री कैंप च होया कोई कपड़े नहीं भराओ साडे तेड़ रहन ते उन्होंने नंगे सी अज दमगज बड़े मारदे लोग नंगे सी कोई नहीं सी साडी सुणदा और साडे अही गिनती भी साडी कोई नहीं सी जिस तरह आप भेडा वाले वाड़े च वड़े हुंदे आ ना भेडा ते कोई गिनती नहीं हुंदी साडी भी कोई गिनती नहीं जदों सानूं फड़ के दरबार साहब चों खड़िया सी बड़ा तशद्दुद जुलम फिर नाभा जेल का फिर लद्दा कोठी मावं जो चले जाते मावं भुल जाए हूँ हूँ नहीं आता हूँ नहीं घुमा उतो वापस। सो इन्ना तशद्दुद ते फिर उस तो बाद जदों उत्थे जोधपुर जेल चो मेरे वर्गे नुमाने नूं इस करके सद्या गया कि आल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन का है मुख सेवादार है तो मैनू एक कहन लगा चौधरी सी
के पी एस गिल मैं इन कहता तेरी मंग की है। मैं अकाल तख्त साहब से माफ़ी मंगाई है संत जरनैल सिंह ने ही इस गेटवे की वो इंदिरा गांधी कढ़ना वो तो चले गई लेकिन वह बेटा जरूर कढ़ना चाहना ए बेज की कहते उन्हें नहीं निकलना तुहाडे फुल आने गुथलियां च पै के जोत परोमा साडे फुल भी नहीं आने फुल कहते भाई अमरीक सिंह संत जरनैल सिंह दे ही उत्थे जा के कीरतपुर साहब पाके आए पाए नहीं कभी शहीदा के फुल पैंदे नहीं होंगे इतना कभी। सो उस टाइम तो यह गल कही सी कि अकाल तख्त साहब तो राजीव गांधी को माफ़ी मंगनी पेगी वो किन्ने कहा सी फैडरेशन ने कहा सी पीर मुहम्मद जी फैडरेशन ने और दूसरी गल जी कही सी वो ये गल कही सी कि साढ़े नाल तुहाडे वड्डिआं ने वादा किया उत्तरी भारत खिता देंगे अं खिता लैन वास्ते हैं कहते खालिस्तान छड़ दिओ मैं कहा छड़ता तुहानू नफरत है ना खालिस्तान तो छड़ता तुसीं सानू खिता दे दो जिहड़ा नहरू गांधी ने कहा सी असीं उहदा नां जिहड़ा जो तुसीं कहोगे वह रख लाँगे लेकिन सिखां नू आजादी के टाइम तो जो वादे कीते उह तो पूरे करो 370 धारा पीर मुहम्मद जी देंदे सी कवर चढ़ सिंह जी 370 धारा मिलती सी पर गदारी किने कीती हुण मैं जे सच्ची गल कहां फिर कहणगे भी सच्ची गल कहिंदा संत हरचंद सिंह ने कीती बरनाले ने कीती बलवंत सिंह ने कीती और इन्हां गदारी करके जिहड़ा प्रैशर बणिया सी उह फैडरेशन दा उस प्रैशर नू लीक किया अकाल तख्त साहब ढट्ठे तो बाद राजीव गांधी डरिया सी और जो चाहते सिख प्राप्त कर सकते सन हरमिंदर सिंह संधू मेरा साथी मेरे नाल गया सी वह कहता चंडीगढ़ का की बनूगा वह चुक के टैलीफोन कहता हुणे ही दे देना चंडीगढ़ लो लो सिखो तो आपां नूं चंडीगढ़ नहीं जो मिलना कोई लै के विखाया जो मैनू चंडीगढ़ भी नहीं जो मिलना वह तो चंडीगढ़ के अपना हिस्सा ही कटी जाते मुलाजम कटी जाते हैं और उत्थे थां ही अपना जो 27-28 पिंड कर दते सी उहनू अपने तो लई जांदे आ। सो समा मैं समझा मैं तां इह गल सुनाई आ मुख्यमंत्री की कुर्सी मैं तो पिंड चो गया सी और छोटे परिवार चो गया सी उह क्यों मुख्यमंत्री की कुर्सी देंदे फैडरेशन की सेवा करके कि इस बंदे नूं भी इस पासे ला लो आपे काम निबड़ जूगा। सो भराओ फैडरेशन कायम रही अपने पैरां ते अपने सिधांतां ते भाई अमरीक सिंह दे संत जरनैल सिंह दे संत करतार सिंह जी के सिद्धांतों से अज वो फैडरेशन का आगाज जरा वो होया। मैं बधाई देना चाहना सारे जिन्हें सरपंच साहबान आए स्कूलों कॉलेजों के जिन्हें अपने प्रिंसीपल साहबान स्टूडेंट साढ़े जिन्हें आए हैं इन्हों सारू मैं बधाई देना तुम साडा औखे टाइम तो साथ देते साढ़े को पैसे पुसे भी है नहीं गए मैं भी इतने गल कर दिया क्योंकि कई तो रौला रूला पा के बाहरों मंग लेंगे अही नहीं किसी क्या सू पैसे दो और सानू पैसे की भी लड़ नहीं संजोग की लड़ और संजोग साथ वो साढ़े सिर पर मेहर भरे हाथ रखो गुरु अपने ग्रंथ साहब का हाथ रवे और ताड़ा संजोग रवे तो मैं समझदा कि ये जी लहर होर वधूगी